है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो आज हम बात करेंगे लिफ्टर कैलकुलेशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि लिफ्टर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ कंपोनेंट दिखा देता हूँ। तो ये कंपोनेंट में आपको कुछ पोर्शन दिख रहा है, कुछ इंटरनल अंडरकट्स हैं। इस अंडरकट को आपको अगर रिलीज करना है तो इस अंडरकट को रिलीज करने के लिए आप लिफ्टर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लिफ्टर के कुछ मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लिफ्टर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लिफ्टर को डिजाइन करने के लिए आपके पास कुछ डाटा है जो कि कंपलसरी है किसी भी लिफ्टर के डिजाइन को करने के लिए। ठीक है, अब वो कौन सा डाटा है वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम में जो आपको अंडरकट दिख रहा है, तो वो अंडरकट जो लेंथ लोगे वो आपको 1-3 mm ज्यादा लेनी होगी। ठीक है, उसके नीचे एक फ्लैट एरिया है, उस फ्लैट एरिया को आप 5-8 mm तक आपको नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी विड्थ और उसकी जो साइज है उसको कितना रखना पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली जो अंडरकट है, अंडरकट के लिए आपको जो स्ट्रोक लगाना पड़ेगा वो अंडरकट की लेंथ प्लस 1-3 mm आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, और उससे ज्यादा मतलब अंडरकट से ज्यादा का जब आपका स्ट्रोक लगेगा तभी आप उस अंडरकट को आसानी से रिलीज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिफ्टर की थिकनेस की बात करें तो जो नीचे से जो उसकी रॉड आती है, और रॉड की थिकनेस 8-12 mm तक आपको मिनिमम रखनी पड़ेगी। ठीक है, और साथ ही और अगर एंगल की बात करें तो लिफ्टर का एंगल मैक्सिमम 15 डिग्री तक हो सकता है। अब एंगल कैलकुलेशन करने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल कैलकुलेशन करने के लिए जो भी अंडरकट है, अंडरकट की लेंथ प्लस इजेक्शन का मोमेंट जो भी होता है, उन दोनों से आप 10 थीटा का इस्तेमाल करके आप वहां पर एंगल को निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में रख कर आप एंगल निकाल सकते हो, और मैक्सिमम 15 डिग्री के एंगल का आप लिफ्टर में बना सकते हो। तो यहां पर एक मैकेनिज्म मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिस तरह से लिफ्टर आराम से किसी कंपोनेंट को रिलीज कर रहा है, तो इस तरह के लिफ्टर को आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था जो कि लिफ्टर से रिलेटेड था। तो इस डाटा का इस्तेमाल करके आप लिफ्टर को बना सकते हो, और मैक्सिमम 15 डिग्री से ज्यादा का एंगल नहीं रख सकते, उसमें लिमिटेशन है किसी भी स्ट्रोक को या फिर किसी अंडरकट को रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।